सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और भाइयों, मैं कहीं बाहर चले गया था और मैं अभी पहुंचा हूं, तो आप सभी भाइयों से क्षमा मांगता हूं, मैं लेट हो गया। अभी अपने डोमेस्टिक डॉग आपको दिखाता हूं अब कैसे हो रहे हैं और सारी बातें आपको बताऊंगा। भाइयों, ये पैंथर का तो कुछ खासी होगी, पता नहीं क्या खा लिया इसने। सुबह रामू जो इनको संभालता है और विशाल बेटा, इनको सबको चेक भी कराया तो डॉक्टर ने ये कही कि मौसम ऐसा चल रहा है, इसमें ये दिक्कत आ जाती है, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। और भाइयों, देखो ये मेरी ब्राउनी, चले चल बेटा, चल चल। ये दिसंबर 15 दिसंबर को बच्चे देगी, इसका टाइम है। और टाइसन खोल, ये देखो। मैं तो भाइयों ने सबने एक बात बताऊंगा, अगर देखो आप अपनी पसंद है, अगर डॉग रखो तो डोमेस्टिक, मतलब फार्म हो, घर हो, इससे बढ़िया रखवाली कोई नहीं करता। ये देखो, ये मेरा डॉग है टाइसन, देखो टाइसन, चल बेटा चलो चलो चलो। बहुत ही समझदार, और एक डॉग भी अपने घर में रखोगे या फार्म पे रखोगे, बेटेंशन, अगर ये खुला रखोगे तो बेटेंशन कहीं भी जाओ। ये देखो, यह मेरी ब्राउनी है, और अब तो गर्मी में थोड़ा वैसा हो रहे हैं। चल बेटा चल चल, चलो चलो चल चल। देखो ये बैठी मेरे पास आ, ये देखो, हम इनको दोनों को खोल गए, बेटेंशन अपने रहते हैं। हम शाम को 8 बजे इनको खोल देते हैं, सुबह 5 बजे बंद कर देते हैं। जब ये देखो, इतना प्यारा डॉग है, जैसा हमारे देश का फौजी है। हमारे देश का फौजी, आप सभी भाइयों ने पता है, अगर हम सोते हैं आराम से, जब सोते हैं, जब हमारे देश के फौजी सरहद पे खड़े होते हैं। ये देखो, ये टाइसन है। ये क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से कहते हैं, एक का भाई का कमेंट आया था मेरे पास, देखो ये हाथ देख, हेलो करेगा, हेलो हेलो रख, हेलो चल बस बेटा, देखो हेलो 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 बस खड़े हो ले। ये क्या है, एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था, बोले जी ये तो पहाड़ों में रहते हैं, नहीं कहीं भी रखो, इनको अच्छी सुविधा दो। अब एक मेरे पास वो जो डोमेस्टिक आ रही है, चल बेटा चल चल पहले, देखो 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 ये हाथ में, ये मेरे से हेलो चल हेलो करता है, क्यों, ये रामू ने आदत डाल रखी है, अगर ऐसे हाथ उठाओगे तो ये हाथ मिलाता है। वो डोमेस्टिक है मेरे पास अंदर है, मैं अपने रूम में, ये खड़ी, ये खड़ी, ये हिमाचल से आई हुई है, इसके बाल भी काट रखे मैंने, कई वीडियो में बता भी दी। ये 30 अगस्त तक बच्चे दे देगी, ना सॉरी दिसंबर तक, क्यों ये क्रॉस हो चुकी, हुआ देगी 15 दिसंबर तक ब्राउनी। और इनके हमने बाल काट रखे हैं, अब देखो बहुत ही समझदार, मालिक के लिए तो जान है, मतलब इतनी वफादारी दिखाते हैं ये, और पूरी रात नहीं सोते ये। वो देखो, वजह पूरी रात जगेंगे, सोएंगे नहीं,
और पूरी रात अगर हल्का सा भी आवाज आएगी या खुड़का होगा, कोई खुड़का यानी कि कोई धमाका छोटा हा किसी का, मान लो अगर रोड के पास घर है और टायर पाट गया तो भोंकते रहेंगे। और भोंकना ऐसे नहीं भाई वैसे भोंकेंगे, अगर कोई अनजान आदमी आ गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। ये दो टीम है ठीक है, चीता से, तेंदुओं से और शेर से लड़ लेते हैं। पर इनके गर्दन में पट्टा होना चाहिए कांटेदार। चल बेटा चलो चलो चलो, ये आ गई। इसका देखो यहाँ चोट लग गई थी आँख में, हमने इसका टाके लगवाए थे, अब ये बिल्कुल ठीक है, बहुत ही समझदार है। देखो मैं तो कहता हूँ टीम एस्टी अच्छा कोई डॉग नहीं है। चल बेटा चल चल, देखो मैंने इसको थप्पड़ मारा लोटी। ए ब्राउनी चल बेटा चल चल, ये दूर से वीडियो बन गई बाबा। मैं तो सभी भाइयों से कहता हूँ जिसने अगर शौक है, और शौक भी नहीं, जैसा अपने घर का सदस्य काम करता है, यानी कि अगर परिवार को बात आएगी तो लड़ने मरने पे और कटने पे उतना ही काम करते हैं। ये आ गया मेरे पास, देखो बहुत ही समझदार बहुत वफादार। वाह ब्राउन देखो आ गई गेट पे। अच्छा एक बात और भाइयों, चल बेटा चल, एक बात और है इनकी, अगर इसने पता है भाई मालिक इस दरवाजे के अंदर सोता है, आपके दरवाजे के बिल्कुल सामने बैठा रहेगा वो। ये मतलब ये नहीं टीमेस्टिक जैसे ये है, ये तो हमने बहुत ही बड़े प्यार से अपने बच्चे इतना पाला है। अगर कोई भी भाई पालेगा ना टीमेस्टिक अपने मालिक के दरवाजे पे, जिसने जिसने ये पता भाई मालिक इस दरवाजे के अंदर सोता है, यहाँ है पूरी रात, वहीं अगर कोई आवाज़ आएगी भोंकेगा गेट पे, दूसरा गेट होगा मेन गेट, उस पर भाग जाएगा, फिर वापस अपने उस दरवाजे पर आ जाएगा। और ये है, ये मैंने कलकत्ता से मंगाया था छोटा सा, ये आया था 26,000 रुपये का जहाज में लक्की। ये भी मतलब जितना है बेचारा बड़ी वफादारी करता है, कोई भी आएगा मतलब उसको काटने को भी भाग जाएगा और उसको अंदर आने नहीं देगा, उसके सामने भोंकता रहेगा, मतलब उसका घेराबंदी करेगा। पर इसकी बेचारे की जैसी औकात है वैसी वो बहुत वफादारी करता है। ताईसान चल बेटा, ताईसान आ जा जल्दी आ, ए ताईसान आ जा जल्दी आ, आ बेटा जल्दी आ। इनमें एक ये खास खूबी है, ये मालिक का आसपास रहेंगे पर बात तो गौर कम करेंगे। ये देखिए बुलाते भाज जाए जैसे लक्की आ गया जैसे नहीं, पर हाँ ये है मालिक के रहेंगे इर्द गिर्द। देवल ब्राउनी गई गेट पे, मेन गेट पे गई, ब्राउनी ब्राउनी अब वो आ जाए नहीं के चक्कर में, जब आ गई जीने पे ऊपर। मतलब ये जब भी इस न खोलोगे, कोई भी भाई अगर मेरी वीडियो देखता है, अगर टीम एस्टिक नहीं पाला और पालते हैं कोई भी, एक बार टीम एस्टिक पाल कर देखो, टीम मैट्रिक से कोई भी वफादार डॉग नहीं है। टीम एस्टिक एक ऐसी चीज़ है, अगर जैसे हमारे बॉर्डर पर हमारे देश के फौजी उनका काम करते हैं, इनको कोई मार ही देगा तो घर में बढ़ सकता है, नहीं कोई घर में नहीं बढ़ सकता। और भाइयों एक आज मैंने अपने कबूतर खोल दिए थे, कुछ कबूतर मेरे ऊपर बैठे हैं रात को, इनमें से यही कबूतर अब यहाँ है अंदर, मैं दिखाऊँ ये देखो। और देखो आप पहले वीडियो देख कितने कबूतर थे, इनमें से ये देखो ये आ गया अपने जोड़े के साथ, आपको दिखाता हूँ मैं। अब मेरे कबूतर छत पे बैठे हैं, आज कुछ बम से छुटा रहे हैं कुछ लोग, उनसे डर के या कैसे बैठे हैं आपको दिखाता हूँ, देखो दिखेंगे ये बैठे
दिख गए, ये बैठे। कोई नहीं, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं भाई कोई बिल्ली पहुँच जाए या कोई डॉग पहुँच जाए, नहीं। तो भाइयों आज पार्क में पानी चला रखा है, ये चल जा, और दोनों डॉग। अच्छा एक और इनकी खासियत बताऊँ आपने, ये आ गया टाइसन। एक बार जितनी भी अपनी सरहद होगी, पार्क हो, फार्म हो या अपना घर हो, उसमें एक बार खोलते हैं कि साथ अपनी सरहद पर पूरी पर एक राउंड मारते हैं। छत पर अगर जगह है वो छत पर जाएंगे, अपने मकान में जिस जगह उसमें घूमेंगे। ये पूरी में देखो, ये अपनी पूरी वफादारी करते हैं। ये देखो ब्राउनी, आ जा बेटा, आ जा ब्राउनी, ए ब्राउनी। बस इनमें ये कमी है, सुनते नहीं। पर ये है कि ये मत सोचो भाई सुनते नहीं, अगर आप पे कोई दिक्कत आई तो एक सेकंड में आपके पास पहुंच जाएंगे। सबसे वफादार टीमेस्टिक डॉग।